साथियों नमस्कार दोस्तों, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल इस 2023 में होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए जो 1484 पोस्ट के लिए वैकेंसी का आप जितने भी लोग फॉर्म डाले हैं उनको मैं बता दूँ कि अब जस्ट 2024 लगने के लिए 4-5-6 महीना बचा हुआ है, तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। और मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि इस 2023 में अब छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल नहीं हो सकता। तो देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि तैयारी करना छोड़ दिए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रनिंग करना छोड़ दिए, पढ़ाई करना छोड़ दिए। लेकिन मैं आपको बता दूं वो तैयारी करना कैसा है, तैयारी आपको कैसे करना है, तैयारी आपको कैसे नहीं करना है, क्या करना है, वो आपके ऊपर है। देखिए मेरे बोलने से आप पढ़ाई नहीं करोगे या दौड़ोगे नहीं, वो बात की बात है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल इस मंथ, अगले मंथ या 2023 में होगा या नहीं होगा। तो देखिए जो 291 पोस्ट के लिए वैकेंसी थी उसका भी एग्ज़ाम इस वर्ष नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं जो छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड का जो फिजिकल है वो भी इस 2023 में नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, हो सकता है या नहीं हो सकता है, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए आप कोई भी फेक न्यूज़ में ना जाइए, कोई भी भ्रमित में ना होइए, और कोई भी चांसेस नहीं है इस 2023 में इन दोनों वैकेंसी की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। तो कृपया तैयारी को बनाए रखें और अगले ईयर्स में आप तैयारी अच्छे से कर सकते हो। तो बस थोड़ा इंतज़ार और कर लीजिए, 4-5-6 महीना के बाद चुनाव हो जाएगा, चुनाव के बाद आपकी वैकेंसी संपूर्ण पूर्वक संपूर्ण हो जाएगी और जिनका लगना है उनका तो जॉब लग ही जाएगा जितने मेहनत करेंगे। लेकिन इस 4-5 महीने आप खाली मत बैठिए, कृपया अपना फिजिकल और एग्ज़ाम का जो तैयारी है उसको मेंटेनेंस बनाए रखें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो कल बने रहे, जय हिंद, नमस्कार, अदाब।